दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। भाई बॉक्साइट Al2O3.2H2O हमारे पास है, एक और है जिससे हमें एल्यूमिनियम लेना है। ठीक है, लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एल्यूमिनियम लिया है और उसकी हाइड्रोलिक वॉशिंग तो करेंगे करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक, हाइड्रोलिक वॉशिंग किया, हमारे पास मेटल और आ गया, ठीक है ना, कंसनट्रेटेड हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी लीचिंग। लीचिंग के लिए हम तीन मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है इम्प्योरिटी किस तरह की है, बेयर्स, हॉल्स, सरपैक्स। तो कब किसको यूज़ करना है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हाँ इन तीनों में से एक यूज़ करना है, तीनों को नहीं करना है, ठीक है ना, ऑब्लिक लगा हुआ है। तो इसके बाद जो हमें एल्यूमिनियम मिलेगा वो कंसनट्रेटेड एल्यूमिनियम मिलेगा। क्या मिलेगा, कंसनट्रेटेड, यानी क्योंकि उसमें से बहुत सारी सिलिकॉन ऑक्साइड या दूसरे मेटल की इम्प्योरिटी तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी हमारा मेटल मेटल नहीं है, मेटल ऑक्साइड है। तो अभी हमारे मेटल ऑक्साइड को हमने रिड्यूस करा, तो क्या हम एल्यूमिनियम के कार्बन रिडक्शन मेथड यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू कार्बन, और उल्टा कार्बन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम कार्बाइड बना लेगा, तो नहीं कर सकते। मैग्नीशियम से कर सकते हैं, हाँ, लेकिन दिक्कत है मैग्नीशियम कॉस्टली मेटल है, हम कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करें, हम उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही हमारे पास एक मात्र ऑप्शन है, और उसके लिए जो सेल डिज़ाइन किया गया है वो करा था हॉल हर हॉल्ट्स मेथड, यानी इस प्रोसेस से किया है। तो ये हॉल अलग चीज़ है, ये हॉल अलग है, ये हॉल मेथड से जिसने सिर्फ कंसनट्रेट किया, और हॉल ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये मेथड दिया है इलेक्ट्रोलाइट से। कुछ समझ में आ रहा है? इसमें भी वो हॉल है जो ऊपर वाला है। तो यानी हॉल आपको दो जगह देखने को मिलेगा, पहला कंसनट्रेटेड लीचिंग मेथड में और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन में। ठीक है, रिडक्शन कर लिया, बहुत हाई एम्पियर चाहिए। एक आइडिया से मैं बताऊं, इसके अंदर जो करंट चाहिए रहती है आपको लगेगा, लेकिन 4.5 वोल्ट के करीबन 300-400 सेल एक साथ लगते हैं। अब आप कहेंगे 4.5 वोल्ट तो बहुत कम है, वोल्ट से मत नापो, पावर नापी जाती है एम्पियर से। करीबन 600 या 700 किलो एम्पियर आपको करंट चाहिए, 700 किलो एम्पियर। इस रेंज में आपको करंट चाहिए इस सेल के लिए। ठीक है, आपसे डाटा कोई नहीं पूछ रहा, और ऐसे 300-400 सेल एक साथ लगे रहते हैं, मतलब सेल का मतलब एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, और पास पास लगाए जाते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं, क्योंकि वो सब कांटेक्ट हो सके, सारा मेटल उससे कांटेक्ट में आ सके। हाँ, बहुत के अंदर ये लगे जाते हैं, और फिर आपके पास यहाँ पर मेटल निकल के आता है, कहाँ पर आता है, कैथोड पर, लेकिन अभी भी ये क्या है, इम्प्योर है, इसमें और भी मेटल की इम्प्योरिटी है। ठीक है, उसके बाद हुप्स मेथड एक अलग से वापस इलेक्ट्रोलाइट सेल है ये भी, लेकिन ये अंतर है, वो रिडक्शन के काम आ रहा है, ये प्यूरिफिकेशन के काम आ रहा है। तो ये प्यूरिफिकेशन के लिए करेगा, और ये हमारे लिए क्या बनाएगा, प्योर मेटल एल्यूमिनियम निकाल के दे देगा आपको। तो तीन प्रोसेस में हुआ, कंसनट्रेट, रिडक्शन, प्यूरिफिकेशन। कुछ समझ में आया? ये तो हमारे लिए रहा हॉल प्रोसेस। अब आगे मैंने अभी हाल आपसे कहा था कि लीचिंग हमारे को यूज करना है, तो कौन सा लीचिंग कब यूज होगा, इसका आइडिया इस ट्रिक से लग सकता है। सिर पर सैंड बेकार मत फेंको, होल में फेंको सैंड। ठीक है, मतलब सिर का मतलब सरपैक मेथड, सैंड का मतलब SiO2, यानी SiO2 की इम्प्योरिटी होगी, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, सरपैक। इससे आपको कैसे पता चलेगा भैया SiO2 की है, इससे जो बॉक्साइट का कलर होगा वो वाइटिश होगा, वाइट बॉक्साइट, यानी कुल मिला के ये यूज होगा वाइट बॉक्साइट। ठीक है, थोड़ा कलर से भी आइडिया लग जाता है भाई किस तरह की इसके अंदर इम्प्योरिटी है। बेकार मत फेंको, यानी बेयर, बेकार से बेयर मत फेंको, फेंको से मतलब Fe2O3 की इम्प्योरिटी। इसका कलर कैसा होगा, रेड, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेड बॉक्साइट। कलर से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इम्प्योरिटी किस तरह की, उससे उसका कलर चेंजेज हो जाता है, और जो दिन रात यही काम करेंगे उन्हें तो दिखाई देगा ही कि किस तरह की इम्प्योरिटी कितनी है। लेकिन अगर ऐसा कोई बॉक्साइड है जिसमें SiO2 भी अच्छी खासी क्वांटिटी में और Fe2O3 भी अच्छी है, तो फिर अब आप हॉल मेथड यूज़ करो।
हॉल मेथड यूज फॉर बॉक्साइड वैन SiO2 एंड Fe2O3 इम्प्योरिटीज फॉर दिस। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है कि तीनों मेथड अपने आप में लीचिंग है। लीचिंग का मतलब मेटल को एक केमिकल के साथ मिलाया जाता है, मेटल ऑक्साइड को, और बनने वाला कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल होता है, जिसको हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं इम्प्योरिटीज को, और वाटर को ड्राई करके उसमें दूसरा सब्सटेंस मिला के या कैसे भी हम उसे वापस अलग कर लेते हैं उस वाटर में से, और हमारे को मेटल, प्योर मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। प्योर मेटल नहीं, मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा। अभी वहाँ पर मेटल ऑक्साइड के साथ अलग इम्प्योरिटीज थी, वो इम्प्योरिटीज गायब हो गई। यहाँ पर आते आते लिखें इसको, जो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन मेथड फॉर एल्यूमिनियम। मेरे पास एल्यूमिनियम का जो मेन ऑर है बॉक्साइट, वो मेरे पास है और मैं उसका कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कुछ प्रोसेस है, बेयर्स, हॉल्स एंड सरपेक्स। ये क्या सोच के डिसाइड किए गए, एक एक करके देखते हैं। हम ये तो जानते हैं बॉक्साइट के साथ कंसंट्रेशन करना है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी है या नहीं है? है। अब इंप्योरिटी किस तरह की है? हो सकता है उसमें आयरन का ऑक्साइड हो, तो जब आयरन का ऑक्साइड होगा तो आपको बिल्कुल रेड सेंट जैसा दिखेगा, यानी बॉक्साइड का कलर आपको रेड कलर का दिखेगा, जैसे रेड स्टोन होता है ना, बस उसको क्रश कर दो तो रेड सेंट पार्टिकल टाइप आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब उसमें आयरन की इम्प्योरिटी या आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आयरन की नहीं है, ग्रे कलर का दिख रहा है वो सैंड आपको, तो इसका मतलब, या वाइट कलर का, इसका मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड की आपको उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम कंसंट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमारी कॉस्ट भी कम रहेगी। तो देखते हैं कि किस तरह की इम्प्योरिटी के लिए कौन सा प्रोसेस बढ़िया है। सबसे पहले बात करते हैं बेयर्स मैथड। लीचिंग रिएजेंट हमारे पास होगा इसके अंदर NaOH, कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, यानी लगभग 50% NaOH डाल दो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, ठीक है, डाल दिया। लेकिन ये यूज कहाँ करेंगे? मैंने अभी हाल आपको थोड़ी देर पहले बताया, मतलब क्या बोला था, सिर पर सैंड बेकार मत फेंको। बेकार का मतलब बेयर मत फेंको, यानी कि Fe2O3 की इम्प्योरिटी है। तो ये तब यूज किया जाएगा, यूज व्हेन Fe2O3 इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट, इम्प्योरिटी प्रेजेंट, ठीक है। तो जब Fe2O3 की इम्प्योरिटी है तो आप इसको यूज करो। अब हो ये रहा है कि Al2O3 के अंदर आपने NaOH मिलाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकते, एम्फोटेरिक बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक है, यानी बेस और एसिड के साथ दोनों की तरह साथ रिएक्ट कर सकता है, कर सकता है ना। लेकिन अगर आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 है तो वो तो अपने आप में क्या है, एक बेस है, वो तो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी SiO2 के साथ तो कर लेगा वो, कौन, Fe2O3, क्योंकि SiO2 एसिड है और Fe2O3 बेस है, लेकिन NaOH के साथ नहीं करेगा क्योंकि आयरन एम्फोटेरिक नहीं होता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इसी प्रॉपर्टी का हम फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर कि उसे कंसंट्रेटेड NaOH में डिजोल्व कर लेते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड बेस दोनों में डिजोल्व है, खत्म बात। तो क्या बनाएगा इस पूरी रिएक्शन में, Al2O3 ट्वाइस NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसको बोलेंगे हम, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, पता है घर पे इसका क्या नाम है, घर पे छोटे नाम होते हैं ना, तो प्यार से इसको सिर्फ सोडियम एल्यूमिनेट ही बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलो या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को यदि आप हाइड्रोलिसिस किया एसिडिक मीडियम में तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT जनरेट हो जाएगा, मतलब बहुत कम डिजोल्व होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, PPT ही जनरेट करता है, आ रही है बात समझ में, बहुत कम पीछे की तरफ जाएगी, ऑलमोस्ट PPT बन जाएगा, ऑलमोस्ट लगभग 0.0001 ग्राम डिजोल्व होता है 100 ml में, तो बहुत ज़्यादा सॉलिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी हम मानते हैं PPT बन जाएगा ऑलमोस्ट 99.99%।
और NaOH हम यूज कर रहे हैं, बन ही जाएगा, NaOH ही बनेगा अगला। कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास वापस यूज हो जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर थोड़ा भी गर्म किया जाएगा AlOH3 को, तो ये Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अब पहले के कंपेयर में हमारी इंप्योरिटी गायब हो गई, पहले इम्प्योर था, अब क्या हो गया? प्योर हो गया। तो ये हमारे पास हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी पूरी तरह से जो आयरन की इम्प्योरिटी वो गायब। ये आपको वाइट पाउडर दिखेगा, वाइट कलर का क्रिस्टल भी बोल सकते हो आप, आपको सॉलिड पत्थर दिखेगा वाइट जैसा, ठीक है ना। तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये आपको मिल गया और प्योर है। इसके बाद आप चाहो तो रिडक्शन प्रोसेस वगैरह करो, वो एक अलग टॉपिक हो गया। अभी तो हमने क्या किया, इम्प्योर से प्योर कर दिया। दूसरा है हमारे हॉल्स मेथड, यानी हॉल्स मेथड हमारे क्या है, तो यहाँ जो हमारे पास है लीचिंग एजेंट बोल दो या रिएजेंट बोल दो, तो वो कौन है हमारे लिए, Na2CO3 सॉल्यूशंस, यानी सोडियम कार्बोनेट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और हॉल कब यूज़ किया जाता है, मैंने अभी हाल बोला थोड़ी देर पहले, सिरपर सैंड, बेकार मत फेंको, हॉल में फेंको। हॉल में बेकार, हॉल में फेंको का मतलब हॉल प्रोसेस में फेंको, यानी Fe2O3 की इम्प्योरिटी तो है लेकिन SiO2 की भी है। सिरपर सैंड बेकार मत फेंको, हॉल में सैंड फेंको। तो हॉल में सैंड फेंकोगे तो यानी कि SiO2, सैंड SiO2, फेंको का मतलब Fe2O3 अपनी ट्रिक है, और हॉल में दोनों इम्प्योरिटी आ गई, यानी ये दोनों की इम्प्योरिटी है, यानी Fe2O3 एंड Si2O3 बोथ आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी, बोथ आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी, एज ए इम्प्योरिटी, ठीक है। ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक और हो गया। इसमें क्या करेंगे, वही Al2O3 को पहले NaOH के साथ कर रहे थे, अब क्या करेंगे, Na2CO3 के साथ हम गर्म करेंगे। हमारे पास यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ही बनेगा यहाँ पर, और CO2 बन जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 बन गया, ये CO2 अपने आप में H2O के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, यहाँ पर NaAl ये बनाएगा H2CO3, जो कि NaAlO2 के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT दे देगा और Na2CO3 बना देगा। Na2CO3 बनने से इसकी pH बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हाई pH पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या बना देगा, PPT, यानी उसकी जो सॉल्युबिलिटी बहुत कम थी, समझ रहे हैं ना, और कम हो जाएगी इन एल्कली मीडियम में Na2CO3 बनने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 हम बाहर जाने नहीं देंगे कंटेनर से, उसी कंटेनर में रोक के रखेंगे और जो Na2CO3 बनेगा उसे वापस लीचिंग एजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो पैसा बच रहा है, अच्छा है ना। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को वापस आप गर्म करो 300 डिग्री या तो 250 से ऊपर कितना ही गर्म कर लो, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, यानी अब प्योर हो गया। आपको प्योर एल्यूमिनियम नहीं मिला है, आपको प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ है, यानी अभी भी आपको और रिडक्शन प्रोसेस और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यूज़ करने हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक हमारा मेटल ऑक्साइड अब कंसंट्रेटेड हो चुका है। लेकिन तब क्या हो, जब सिर्फ SiO2 की इम्प्योरिटी हो, तब हम यूज़ करेंगे सरपैक्स। तो मैंने यही बोला है ना, सिरपर सैंड, यानी सरपैक में सैंड SiO2 की इम्प्योरिटी के लिए यूज़ किया जाएगा, यानी दिस मैथड यूज फॉर किसके लिए, जब SiO2 इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी, इज प्रेजेंट एज ए इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी बस। और जब सिर्फ SiO2 होगा तो आपका जो बॉक्साइड का कलर कैसा रहेगा, रेड तो नहीं रहेगा, रेड तो आयरन की वजह से था, किस तरह का रहेगा, व्हाइट कलर का। तो यूज फॉर कंसंट्रेटेड ऑफ व्हाइट बॉक्साइड, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म करेंगे और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा, यानी 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, आप सोचो कितना हाई टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पे CO क्या बनेगी, गैस बन जाएगी,
और हमारा जो कार्बन है वो SiO2 के साथ सिलिकॉन वेपर बना के उसे भी अलग कर देगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ SiO2 की इम्प्योरिटी अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो तो आप यही यूज़ करोगे, अदरवाइज दिक्कत हो रही है आपको। तो SiO2 प्लस कार्बन, हाँ नुकसान ज़रूर है, बहुत हाई टेम्परेचर लगना पड़ रहा है आपको तो नुकसान ज़रूर है। और इतने हाई टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड सर्वाइव कर जाएगा, हाँ एल्यूमिनियम नाइट्राइट कर जाएगा, हाँ। अगर प्योर एल्यूमिनियम होता ना वेपर बन के उड़ जाता, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा है, 2500 2700 डिग्री के, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इतने टेम्परेचर पे भी। अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड को अगर आप हाइड्रेशन करते हैं तो एसिडिक मीडियम में कर लीजिए आप, ऑब्वियसली AlOH3 बनेगा और अमोनिया गैस बन के उड़ जाएगी, वॉलेटाइल सब्जेक्ट सब्सटेंट है। तो यहाँ पर इस वैल्यूबल प्रोडक्ट तो है, मतलब समझ गए, फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आएगा। और हम जब कॉमर्शियली हर चीज़ निकलने वाली होती है उसको यूज़ कर लेते हैं कॉमर्शियल मेथड में, फिर उसके बाद वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास जो मिला है PPT की फॉर्म में, उसको क्या करेंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करेंगे, पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, कंसनट्रेटेड हो गया, तो हमारा तो फ़ायदा है ना। तो कब कौन सा मेथड यूज़ करना है ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले एक बार रिवाइज करता हूँ, बेयर्स प्रोसेस, तब जब केवल और केवल Fe2O3 की इम्प्योरिटी हो। हॉल्स प्रोसेस, तब जब Fe2O3 और SiO2 की इम्प्योरिटी दोनों। और सरपैक्स मेथड, तब जब आपके पास केवल SiO2 की इम्प्योरिटी हो। इसलिए मैंने ट्रिक बनाई है, आपने ध्यान से भी सुना होगा कि सिर पर सैंड यानी सरपैक्स सैंड के लिए इम्प्योर, बेकार मत फेंको, बेकार का मतलब बेयर मत फेंको यानी Fe2O3 की इम्प्योरिटी, होल में बेकार फेंको। तो होल यानी ये हमारे पास होल जो हो गया यहाँ पर, हॉल मेथड्स, इसमें बेकार सैंड बेकार फेंको यानी सैंड की SiO2 की इम्प्योरिटी भी है और फेंको यानी Fe2O3 की भी है। आया समझ में, लिखें इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट प्रोसेस, इसके अंदर हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, मैं ये कह रहा था कि हमने अभी तक क्या किया, पहले एल्यूमिनियम को कंसंट्रेट किया, ठीक है, उसके लिए हमने कुछ प्रोसेस यूज किए। वहां के बाद हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3, यानी हम Al2O3 को रिड्यूस करेंगे किसमें, एल्यूमिनियम में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, कैसे करेंगे? इसके लिए जो सेल डिजाइन किया गया है वो है हॉल हेरोल्ड्स मेथड, यानी कि ये सेल का नाम भी है और मेथड का नाम भी है। सिंपल है, हम इतना तो जानते हैं कि भाई करना तो रिडक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन चाहिए, एक एनोड होना चाहिए, एक कैथोड होना चाहिए, केवल यही बोलने से पूरा इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो जाता। हमें देखना पड़ता है कि क्या टेम्परेचर है, क्या एनोड लिया जाए, किस मटेरियल का एनोड लिया जाए, किस मटेरियल का कंटेनर लिया जाए, एक एक करके हम ये सब इस हॉल हेरोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले ये जिस तरह का डिज़ाइन किया गया है, यहाँ बाहर की तरफ स्टील है, हाई कार्बन स्टील, बहुत ही मजबूत, और उसके अंदर ग्रेफाइट्स की लाइनिंग्स की गई है, यानी कि ग्रेफाइट एक तरह से कवर्ड किया गया है, अस्तर लगाया गया है पूरा ग्रेफाइट का, जो कि आपके लिए पूरा का पूरा कैथोड का काम करेगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि मेटल कैथोड पे ही डिस्पर्स होता है, एनोड पर जनरली एनायन यानी कि एनायन गैस की फॉर्म में लिबरेट होते हैं। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब मेरे पास ये था कि मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर फिलअप कर दिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको वाइट पाउडर जैसा दिखेगा, बिल्कुल जैसे आटा होता है ना, बस उससे थोड़ा सा मोटा आटा ले लो वैसा आपको दिखेगा। आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ डाल दिया, ठीक है, और इतना गर्म कर रहे हो, इतना गर्म कर रहे हो कि वो वेपर में चेंज हो गया, क्या बनने वाला एल्यूमिनियम, तो क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड को गर्म करने के बाद मेल्ट करने के लिए आपको लगभग 2500 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 2700 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, जबकि एल्यूमिनियम 700 डिग्री के ऊपर ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो मुझे दिक्कत ये आ रही है, 700 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, 1000 के ऊपर वेपर में चेंज हो जाता है। तो मुझे ये पूरा प्रोसेस इस तरह से चाहिए था कि टेम्परेचर जो बने कंटेनर का वो अंडर 1000 के अंदर रहे, और अंडर 1000 के लिए ले तो फिर दिक्कत हो गई कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो लिक्विफाइड हो ही नहीं रहा, और बिना लिक्विफाइड हुए वो इलेक्ट्रोलिसिस भी नहीं देगा, इस टेम्परेचर पे तो नहीं देगा, ठीक है। तो मैंने एक कंसेप्ट हॉल से सीखा,
इस प्रोसेस में कि अगर आप उसमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं किसी भी मेट, तो इम्प्योरिटी मिलाने से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो चलो ठीक है, ये चीज़ तो मेरे पास पहले से भी थी, लेकिन वो इम्प्योरिटी कौन सी हो? ऑब्वियसली वो इम्प्योरिटी एक ही काम ना करे, वो एक मेल्टिंग पॉइंट को तो डिक्रीज करे, दूसरा काम वो कंडक्टिविटी भी बढ़ाए, तीसरा काम उसके अंदर हमारा जो मेटल ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो डिजोल्व हो, चौथा काम वो इम्प्योरिटी मेटल के अंदर ना जाए, वो उस कंटेनर में ही रहे। इन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है, यानी चार पॉइंट मैंने बोल दिए, ध्यान से सुनिएगा। तो इन सब पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये था कि वो इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट को कम करे, ठीक है, इम्प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट को कम करती है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है, ठीक है, Al2O3 का, और इतनी कम करे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एल्यूमिनियम के बॉइलिंग पॉइंट से कम रहे, समझ में आ रहा है, यानी 1000 से भी कम रहे, कुल मिला के आसान भाषा में, जो कि हमारे पास अभी प्योर Al2O3 का 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। जैसे इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो ये लगभग 950, 955 समथिंग आपको ये मिल जाएगा, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारा काम चल गया, ठीक है। तो एक काम तो ये हो गया, दूसरा उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दे, वो भी सही है, तीसरा उसमें मेटल ऑक्साइड डिजोल्व भी हो, ठीक है, वो तो डिजोल्व होगा तभी तो कंडक्टिविटी और क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, नहीं तो होता ही नहीं। चौथा काम कि वो इम्प्योरिटी प्योर मेटल के साथ रिएक्ट ना करे और ना उसके साथ मिक्स हो, ये एक और इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो निकलने वाला मेटल बहुत ज़्यादा इम्प्योर रहेगा। तो इसके लिए मैंने क्रायोलाइट लिया, क्रायोलाइट लगभग जब लिक्विफाइड होता है 900 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास, तो वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अपने में डिजोल्व कर लेता है, पूरी तरह से मिक्स कर लेता है, और डिजोल्व करने का मतलब है क्रायोलाइट तो लिक्विड हो गया 900 डिग्री सेंटीग्रेड में, और मेटल, अब उसमें मेटल ऑक्साइड हमारा क्या हो चुका है, उसमें Al2O3 डिजोल्व हो गया। तो जो काम हमारा 2700 में चल रहा था, अब वो कितने में हो गया, 950 में ही हो गया, हमारे को तो फायदा ही है ना, ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ा, तो ये इसका मेन यूज रहा। लेकिन यहीं तक नहीं है, वो इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ाता है, क्योंकि क्रायोलाइट में कौन कौन से आयन हो रहे हैं आपके, Na+ आयन है, F- आयन है, और Al+3 है। तो ये F- तो वापस कंटेनर में घूम के आ जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं हो रहा है, और एल्यूमिनियम तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो जितना एल्यूमिनियम निकालना चाहो निकाल लो, ठीक है, ये हमारे पास रहा। तो CF2 क्यों मिला रहे, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मेन काम तो हमारा ये कर रहा था, लेकिन हम और कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने फ्लोर स्पार यानी CF2 भी मिला दिया। आगे अब क्या हो रहा है, हमने ये एनोड लाल दिए, ये अपने आप में क्या है, 1, 2, 3, 4, ये सब ग्रेफाइट के एनोड है, ठीक है, पक्के मजबूत ग्रेफाइट की रोड्स हैं, जिसके साथ कुछ कार्बन यानी कि कार्बन पाउडर भी हमने यूज़ किया है प्रोटेक्ट करने के लिए, कोरोजन से बचने के लिए, कैसे भी समझे, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत हाई टेम्परेचर है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन बनने वाली ऑक्सीजन के साथ धीरे ही से ही कुछ क्वांटिटी में रिएक्ट करेगा, और आपका ग्रेफाइट एनोड थोड़ी देर में ऐसा दिखने लगेगा, यानी हर 10-12 घंटे में आपको एनोड चेंज करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं लगाएंगे कार्बन पाउडर तो ये ड्यूरेशन और कम हो जाएगा, आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे लिए कार्बन पाउडर उसको प्रोटेक्ट का काम कर रहा है, बाकी एनोड तो आप टाइम टू टाइम आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि C+O2CO2 भी बना रहा है। आगे एक और चीज, तो ये हमारे लिए कितने एनोड लगा दिए हमने, लगभग डिपेंड करता है आप किस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर 16 एनोड लगा दिए, कितने लगा दिए 16, और लगभग 4.5 एम्पियर सॉरी वोल्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, और लगभग 165 किलो एम्पियर, किलो एम्पियर का मतलब 1, 2, 3 इतने एम्पियर अगर मैं करंट डालता हूँ, तो लगभग मुझे 50 kg यानी 50 kg एल्यूमिनियम पर हावर मेरे को मिलेगा, ये मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा। और अगर ज़्यादा करना है तो उसे लेवल पे आप नंबर ऑफ एनोड और एम्पियर आप बढ़ाते जाएं, आपकी मर्जी, तो डिपेंड करेगा कि कितने एनोड है, 16 है तो आपको इतने से काम चल जाएगा, और ये आपके पास एल्यूमिनियम प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रायोलाइट क्या कर रहा है देखते हैं, Na3AlF6
आपके पास क्या बन गया, NaF, AlF3 और 900 डिग्री सेंटीग्रेड में ये यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। Al+3 और F माइनस का मतलब क्या हो गया, एक तरह से लिक्विड फ्यूज्ड। पानी नहीं डाला है आपने, पानी नहीं डाला है, बस आयन में टूटना नहीं कंपाउंड्स का लिक्विडिफिकेशन है, ठीक है। ये लिक्विफाइड हो गया और जैसे ही लिक्विफाइड हुआ इसमें Al2O3 डिजोल्व हो जाता है। तो यानी यहाँ पर जो मैं टेम्परेचर रखता हूँ वो लगभग 950 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, 950 से 1000 के बीच में। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे Al+3, अब तो Al2O3 भी डिजोल्व हो चुका है इसके अंदर, वैसे नहीं होता लेकिन इसके अंदर डिजोल्व हो चुका है। कैसे हुआ है, Al+3 और O-2 बन चुके, तो Al+3 तीन इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया। कहाँ हुआ भाई, ये यहां हो गया इस जगह, जो कि नीचे आके कलेक्ट होने लग जाएगा धीरे धीरे। और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, फ्लोराइड आयन F2 बनाएगा, बना रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन साथ ही फ्लोराइड आयन Al2O3 के साथ रिएक्शन करके AlF3 और O2 निकालेगा। ये O2 हमारे जो या तो बाहर निकल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रेफाइट को नुकसान कर सकती है, उसको CO2 में चेंज कर सकती है और उसे CO में भी चेंज होती है। तो जो आपके ग्रेफाइट एनोड है धीरे 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 खत्म। कैथोड में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कैथोड में एल्यूमिनियम है, तो वहाँ तो ऐसा कोई खास लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन एनोड का लॉस आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा और फाइनली आपको एल्यूमिनियम मिलेगा यहाँ पर। लेकिन ये एल्यूमिनियम जो दिख रहा है आपको ये बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है, तो मैं इसको अभी भी प्योर करूंगा, तो यहां तक तो लिखना पड़ेगा इम्प्योर एल्यूमिनियम। कोई समझ में आ रहा है, यानी हमारा काम चल जाएगा, इसमें और भी मेटल की इम्प्योरिटीज होंगी, लेकिन अगर आपको रफ एल्यूमिनियम चाहिए, कई जगह तो रफ ही चाहिए रहता है, तो आप इससे काम कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्योर एल्यूमिनियम के कंपेयर में थोड़ा हार्ड भी रहेगा, तो आप देख लीजिए आपको किस लेवल का एल्यूमिनियम चाहिए। अगर ज़्यादा प्योरीफाइड चाहिए तो हम आगे प्योरीफिकेशन मैथड देखेंगे कि और किस तरह से इसको वापस एक बार और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, लेकिन वो सेल की जो डिज़ाइन होगी वो इससे अलग होगी और प्योरीफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल इसको लिखें आप, रिफाइनिंग में ही हम थोड़ा और आगे देखेंगे। और अब जो रिफाइनिंग की हम बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अलग अलग रिफाइनिंग अलग अलग नाम से जानी जा रही है। तो ये स्पेशली ये हुप सेल रिफाइनिंग फॉर एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है हुप सेल। रिफाइनिंग का मतलब वही प्योरीफिकेशन। किस तरह से बनाया गया है, यानी हमारे लिए यहाँ पर ये जो है नेगेटिव 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 का मतलब एनोड या कैथोड, कैथोड, और मेटल कहाँ पर आता है, कैथोड पर। ये पहले वाले सेल के कंपेयर में अलग है, ठीक है। वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम ला रहा था, ये एल्यूमिनियम को प्योरीफाइड कर रहा है, दोनों में अंतर है, आ रही है बात समझ में। तो दोनों के नाम भी अलग हैं, डिज़ाइन भी अलग हैं, कंपेरिजन भी अलग है थोड़ा सा। तो इम्प्योर एल्यूमिनियम हमारे पास इधर जा रहा है और ये प्लस चार्ज, यानी कि हमारे लिए क्या है, एक तरह से एनोड, और ये क्या है हमारे लिए, कैथोड। तो प्योर मेटल कैथोड पे आ जाएगा और वो निकलता जाएगा लिक्विफाइड, बहुत हाई टेम्परेचर पे हम प्योरीफाइड कर रहे हैं, पूरा क्लोज है क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा, एल्यूमिनियम की वेपर बनने का भी रहता है, और उसे ठंडा करके हम निकाल देते हैं थोड़ा सा, आ रही है बात समझ में। इलेक्ट्रोलाइट Na3AlF6+BaF2 दोनों मिलाया जाता है, इससे इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज करती है। तो उसकी लेयर यहाँ रहती है हमारे लिए सोडियम प्लस एल्यूमिनियम और बेरियम, ये तीनों के कैटायन आपके एक स्टेट में रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। प्योर एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का होता है, ऊपर रहता है और निकल जाता है। तो कुल मिला के एल्यूमिनियम प्लस थ्री एल्यूमिनियम में चेंज होता है कैथोड पर, और एनोड पर एल्यूमिनियम Al+3 में चेंज हो जाता है, यानी प्यूरिफिकेशन में होता भी यही है, दोनों तरफ, एक तरफ एल्यूमिनियम आयन में चेंज होता है और एक तरफ एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम में चेंज हो रहा होता है। और ऑल ऐसा करने से जो इम्प्योरिटी वाला पार्ट है वो नीचे गिर जाता है, उसको हम बोलते हैं एनोड मड, एनोड मड वो इम्प्योरिटी को बताता है, इस तरफ दिखेगा आपको। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, रिफाइनिंग हो गया।